वार करना चाहता है मुझ पे। कर वार। करना वार, करना वार। लेने मेरे प्राण, लेने मेरे प्राण। मेरी बची हुई संतानों का भी अंत कर दे, लेने सबके प्राण। जीवन समाप्त कर देना सबका, किसी को भी और तुम रथ बिल्कुल मत छोड़ना। दत्तू भैया, धूमल भैया, ये सब क्या हो गया इन सबको, ये ऐसी अवस्था में? वाह, माँ और पुत्र नाट्य कला में कितने पारंगत हो। अब तू यही कहेगा ना कि तुझे कुछ नहीं पता। हाँ महारानी, मेरे पुत्र तेरे साथ केवल भ्रमण करने गए थे। उनके शरीर पर इतने घाव कैसे लगे, वो जल कैसे गए, तुझसे बिछुड़ कैसे गए? पता ही नहीं ना, है ना? मेरा विश्वास कीजिए महारानी, मेरे पुत्र विषैले अवश्य है, किंतु उनके भीतर भी इतना विष नहीं है जितना तेरे मन में है। मेरे पुत्र अपने शत्रु को ललकारते हैं, फिर उन पर आक्रमण करते हैं, किंतु तूने तूने धोखे से मेरे पुत्रों पर आक्रमण किया। मेरे नाम जब आगे के लिए जाते हैं तो अपने शत्रु को भागने का और बचने का एक अवसर देते। तूने अंतरिक्ष पर ले जाकर उन पर वार किया जब तुझ पर निर्भर थे। अपनी शक्तियां होते हुए भी आज वो कितना असहाय अनुभव कर रहे होंगे। महारानी मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास तो उन्होंने भी तुझ पर किया था जो मेरी बिना आज्ञा के वो तेरे साथ चले गए। आपको बिना बताए? परंतु महारानी आपने तो स्वयं मुझे आदेश दिया था मैं इन सभी को अपने साथ ले जाऊं। सत्य बोल रहा है ये। मां तुझे बार बार पुकारती रही, पृथ्वी पर लौटने का आदेश भी दिया, किंतु तूने सुनकर भी अनसुना कर दिया। नहीं, ये सत्य नहीं है महारानी, मैंने स्वयं आपका स्वर सुना था। आप जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? हाँ तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। ज्यादा चाटुकारिता मत कर। वहां धूमल भैया, ये तो बिल्कुल कालिया भैया जैसा स्वर है। तक तो और धूमल भैया, गरुड़ तू गया नहीं अभी तक? महारानी आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। ये सब तू क्या कह रहा है? कद्रू दीदी कभी नहीं चाहती थी कि नाग अंतरिक्ष में जाए, तो ये कैसे आदेश दे सकती है? मां, तक्तू भैया और धूमल भैया अलग अलग स्वर निकालने में निपुण हैं। इन सभी को अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा थी, मुझसे हट भी कर रहे थे ये। मैंने इनसे कहा भी महारानी की आज्ञा के बिना मैं इन्हें साथ में नहीं ले जा सकता, तो हो सकता है जब मैंने इनसे आज्ञा मांगी तो धूमल भैया नहीं। इसे नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं इसे लोहे की साकलों में बांधकर अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो सिर्फ दासी है मेरी, पर तेरा पुत्र जीवन भर के लिए मेरा बंदी होगा। महारानी इसे क्षमा कर दीजिए महारानी, वो नादान है, बालक है, अपना भला बुरा नहीं समझता। मैं इसे समझाऊंगी। वाह धूमल भैया, अद्भुत प्रतिभा है आपने। आपकी आवाज बदलने की कला अद्भुत है, है ना बुद्धनंदी? हाँ सर कोटा, अत्यंत प्रभावी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.